रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप आप उसको देते थे? रिया 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 लाती होगी सर, क्योंकि होगी क्या जब राती होगी का मतलब क्या है? बात होती थी रिया आप नहीं एक मिनट रुके व्हाट यू मीन लाती राती होगी? आप दुकान से खुद लाते थे कि दवाई लाई जाती थी और आप उसको देते थे? नहीं लाई जाती थी। कौन लाई जाती थी? रिया लाती थी। सुशांत सिंह राजपूत ने मामले को 4 साल के ऊपर हो चुका है। इस मामले में 4 साल हमने देखा कि कई सारे लोगों ने चुप्पी साध के रखी थी, पर 4 साल के बाद अचानक से अब कई लोगों को सुशांत की याद आ रही है धीरे धीरे। कुछ लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि सुशांत के वो फैंस होते हैं, कुछ इसलिए याद करते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को एक अंतिम मोड़ तक जाते हुए देखना चाहते हैं कि मामले में जो सच था वो सामने आए, और कुछ लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके करियर में कुछ काम रह नहीं गया है तो सोचते हैं कि सुशांत के नाम पर ही दोबारा से हम कुछ बातें कर लें और दोबारा से ही कुछ काम हमको मिल जाए। अब इसी चीज़ को लेकर एक बार फिर से बॉलीवुड की एक अभिनेत्री ने सुशांत को याद किया है और उसके बाद उनको अब ट्रोल किया जा रहा है। कौन ट्रोल कर रहा है वो भी बताएंगे, और कौन सी वो अभिनेत्री है जो सुशांत को याद कर रही है, जबकि सुशांत और दिशा केस के बारे में अभी लोगों को उम्मीद थी कि अब ये मामला खुलेगा क्योंकि अचानक से नेता निकल के आए सामने और नेता ने अपनी बातें इस पूरे मामले में खुल कर रख दी हैं। सब कुछ बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दी जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 4 साल से बॉलीवुड एक तरफ चुप्पी साध के बैठा है। बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज लोग अपनी बात नहीं रख रहे हैं सामने आकर। बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों ने सुशांत मामले को बिल्कुल साइड कर दिया और एक सिंपल मामला घोषित करके रख दिया है। अब कहा जा रहा है कि इन सब के बीच में बॉलीवुड की एक अभिनेत्री निकल के आती है जो सुशांत को याद कर रही है। इनका नाम बताने से पहले हम आपको बता दें कि इन्होंने सुशांत के ऊपर कभी मी टू का एलिगेशन लगाया था क्या? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल कहते हैं। मी टू का एलिगेशन सुशांत के ऊपर एक बार लगा था और जब सुशांत सिंह राजपूत ने इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी तो कुछ कॉन्टैक्ट हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये इंडिया में नहीं थी, और जब तक कॉन्टैक्ट होता तब तक सुशांत सिंह राजपूत की इमेज कहीं ना कहीं लोगों ने ख़राब कर ही दी थी क्योंकि उनके ऊपर मी टू का एलिगेशन लग ही गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 4 साल के बाद अभिनेत्री को सुशांत की याद आ रही है। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारे के अंदर आपने इनको देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संजना की। संजना कौन है? संजना आप जानते हैं अच्छे से, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी जो आखिरी दिल बेचारा, उसमें हमने इनको देखा था, जाना था, पहचाना था। अब खबर निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी हीरोइन ने उनको याद किया है, बोली मुझे तुम्हारी याद आती है। अब आगे क्या है आपको हम डिटेल में बता देते हैं कि आखिर भाई संजना जी कहना क्या चाहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 4 साल हो चुके हैं। अचानक हुई उनकी मौत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस संग काम किया था। कई एक्ट्रेस उन्हें आज भी सोशल मीडिया के जरिए याद करती हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी हीरोइन ने उन्हें याद किया, साथ ही सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा, सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी। इस फिल्म में उनके साथ हीरोइन संजना सांधी थी। संजना सांधी ने दिल बेचारा से अपना एक्टिंग में डेब्यू किया था। इस फिल्म को काजरे के रिलीज़ हुए 4 साल हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें फिल्म और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी यादों को याद किया है। संजना सांधी ने बताया है कि आखिर कार इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल बेचारा से जुड़ी तस्वीरें को शेयर किया। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने पोस्ट में जो लिखा है, इस खास दिन को 4 साल हो गए हैं, यह मेरे लिए अब तक के काजरे की बहुत ही स्पेशल दिन थे और कहीं ना कहीं पुरानी यादों में वो डूबती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसी फ़ोटो शेयर करके। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पर इस फोटो को हम देख रहे हैं, इस फोटो में सुशांत सिंह राजपूत को देखकर आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। मतलब सोचिए, आप हो या हम हो, आंखों में आंसू अपने आप आ जाएंगे। एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा, दिल बेचारा और किसी बासु को आपने जो असीम प्यार दिया है उनके लिए मैं कभी भी आभारी नहीं हो सकता। आप सभी का मनोरंजन करने का यह अक्सर पाकर मैं अपने दिल में जो उत्सव महसूस कर रहा हूँ उसके लिए मैं कभी भी आभारी नहीं हो सकता। धन्यवाद लाखों बार का जरा कि मुझे तुम्हारी याद आती है। शुश, आपको बता दें कि दिल बेचारा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद OTT पर रिलीज़ की गई थी।
अब सवाल यह है कि दिल बेचारा को याद किया जा रहा है, मतलब दिल बेचारा फिल्म को याद किया जा रहा है, सुशांत को याद किया जा रहा है, और किया किसके द्वारा जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। संजना सांधी के द्वारा सुशांत को याद किया जा रहा है। और मी टू के एलिगेशन की बात करें तो आज भी हम आर्टिकल आपके सामने शेयर कर रहे हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल जिसके बाद आज भी बहुत सवाल उठते हैं। जबकि लोग अब याद करेंगे सुशांत को, डेफिनेटली जो बड़े बड़े लोग हैं वो सुशांत के बारे में बात नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं सुशांत के साथ कुछ लोग जो काम कर चुके हैं, जो शायद अभी बिल्कुल इंडस्ट्री से दूर हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, हम ज़्यादातर उनको देखते हैं सुशांत के बारे में जिक्र करते हुए। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि जहाँ पर सुशांत मामला पेंडिंग है, इस मामले के न्याय के बारे में भी कोई क्या कभी कुछ बोलेगा? सुशांत के फैंस आज भी क्यों आवाज़ उठाते हैं? सुशांत के फैंस आज भी क्यों इस पूरे मामले के फाइनल कंक्लूजन के आने का वेट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी एक सवाल है कि मामले में जो कुछ था वो सामने नहीं आया। मामले में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको सामने आनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं अगर उनके फैंस आज भी इंतज़ार कर रहे हैं तो इस बात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हैं, दबी हैं, रुकी हैं, जो आज नहीं तो कल बाहर ज़रूर आ सकती हैं, ऐसा लोगों का आज भी अनुमान है। लोग आज उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि कब इस पूरे मामले को लेकर, जिस प्रकार हम सोशल मीडिया पे देखते थे कि लोग अपनी अपनी प्रक्रिया रखते थे, बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल इस पूरे मामले को छापते थे, उठाते थे, पर आज हम देख रहे हैं कि कोई इस पूरे मामले के बारे में कुछ नहीं छापना चाहता, कुछ नहीं लिखना चाहता। जबकि हाल ही में अर्णब गोस्वामी और उनके चैनल ने इस पूरे मामले को उठाया था, इस पूरे मामले के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि नेता इस पूरे मामले के बारे में निकल के आकर अपनी बात रख रहे थे, सामने सबूतों की बात कर रहे थे, यहाँ तक कि सुशांत और दिशा केस का भी जिक्र कर किया जा रहा था। तो यहाँ पर इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी लगता है मुझे पेंडिंग है, क्योंकि बार बार किसी का आकर किसी के ऊपर आरोप लगाना डेफिनेटली कोई आम बात नहीं है, वो भी नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं अभिनेता के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आरोप भी वो लगा रहे हैं जिनकी सरकार कहा जा रहा है कि इस समय केंद्र में है, उन्हीं के द्वारा अगर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं तो आखिर मामले का कंक्लूजन क्यों नहीं निकल के आ रहा है? इसमें बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर केंद्र में रहने वाली सरकार के नेता सुशांत केस में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सुशांत केस में बड़े बड़े लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मामले के बारे में क्यों जिक्र नहीं हो रहा, मामले का क्यों कोई भी सच सामने निकल के नहीं आ रहा है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है इस पूरे मामले में। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर जो भी सच है वो आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएगा, उम्मीद तो ऐसी है, पर कब आएगा इसको लेकर आज भी सवाल बना हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें तो हम चाहेंगे कि आपके अंदर जो भी सवाल हो आप अपने सवाल कमेंट में रखिएगा, हम जरूर आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। और इसी के बीच आप अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर वल्ला टीम से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर वल्ला है, फेसबुक का सागर वल्ला है, इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।